खबर शामिल करते हैं। दीपालपुर से हमें रिपोर्ट की है हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद ने। दीपालपुर मौसमम व खतीब मरकज तौहीद व सुन्नत जामिया रियाजुल जन्ना व मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी साहबजादा मौलाना मोहम्मद हसन सदीकी ने इस्तेमाल से खिताब करते हुए कहा, गजवा बद्र वसाल सैयदा आयशा व रुकैया माह रमजान के तारीखी व इस्लामी वाकियात हैं। हक और बातिल के मारके में कामयाबी अहले ईमान की हुई। सैयदा आयशा की इफ्फत और पाकदामनी की गवाही अल्लाह ने कुरान उतार कर दी। जज्बा हुर्रियत मुसलमान की पहचान और कामयाबी की दलील है। आज कश्मीर की खस्ता हाली, फलस्तीन की कैफियत, शाम इराक और बोस्निया के हालात हमारे जवाल की दास्तान रकम किए हुए हैं। फतह और कामयाबी का दारो मदार मालो असबाब की बजाय ईमान की पुख्तगी और नसू मिनल्लाही व फतहुन करीब। 10 साल दौर मदीना में जहाद के जरिए 9 लाख मुरबा मील पर इस्लाम का परचम बुलंद किया। ईमान की दौलत से मालामाल 313 सहाबा कराम ने 1000 के मुसल्ला लश्कर को इबरतनाक शिकस्त से हमकनार किया। 10 साल के मुख्तसर अरसे में 100 जंगें लड़ी जो पैगंबर की जुर्रत, हौसले और सहाबा कराम की बहादुरी की दलील है। दीन की बका, अजमत और बुलंदी का मयार सहाबा कराम है। ईसाइयों, यहूदियों और मुनाफिकीन के साथ रहते हुए जहाद का फरीजा अमल साबित किया। इन ख्यालात का इजहार दीपालपुर मोहतमम व खतीब मरकज तौहीद व सुन्नत जामिया रियाजुल जमा डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी मौलाना मोहम्मद हसन सदीकी ने खिताब से किया और कहा, कायनात की सबसे बड़ी मुअल्लिमा और मुफ्तरा का एजाज सैयदा आयशा सदीका के पास है। उन्होंने मजीद कहा, मातकफ उन तमाम नेकियों का हकदार बनता है जो दूसरे लोग सदका और खैरात, मरीज की आयादत समेत दूसरे नेक कामों को अमली तौर पर हासिल करते हैं।